अब वो मास्टर स्ट्रोक जो अमित शाह और मोदी ने चला, जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा, आज हम उसे ही डिकोड आपके लिए करेंगे। अमित शाह ने कल यूपी के सह प्रभारी के तौर पर जिसे चुना, वो है गुजरात के दिग्गज नेता गोवर्धन जड़पिया। लेकिन जड़पिया आम नेता नहीं है, वो कभी नरेंद्र मोदी के विरोध में खुलकर आ गए थे, यहां तक कि मोदी से नाराज होकर अलग पार्टी भी बना ली थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें यूपी की जिम्मेदारी सौंप दी? क्या है मास्टर स्ट्रोक? अगली रिपोर्ट में आप उसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वो जो कभी मोदी के दोस्त रहे, कभी दुश्मन, हमें गुजरात से किधर ही रुकावा नहीं दी। वो जिनके केशुभाई पटेल राजनीतिक गुरु रहे। केशुभाई ने अपने बच्चों की तरह हमारा बहुत केयर की है। वो जो कभी मोदी से नाराज होकर पार्टी छोड़ गए। माँ से रूठे जरूर होंगे, लेकिन माँ का पल्लू फाड़ने का बच्चा कभी नहीं करता। उन्हीं गोवर्धन जड़पिया को बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए यूपी का सह प्रभारी बनाया है। बीजेपी ने कल 17 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारियों का ऐलान किया, तो सबसे चौंकाने वाला नाम गोवर्धन जड़पिया का आया। उन्होंने भी चुनौती स्वीकार की और गठबंधन विस्तार से लेकर नाराज अनुप्रिया पटेल को मनाने तक के कई दावे कर डाले। मैं तो चाहता हूँ और आएंगे और जुड़ेंगे, इससे कोई छूटने का तो सवाल ही नहीं है। बीजेपी से अपना अलायंस छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। अनुप्रिया बहन का सवाल है, उनके पिताजी सोनेलाल जी पटेल, वो भी हमारे अच्छे संपर्क में थे, और अनुप्रिया जी उनका परिवार माता कृष्णा जी, तो वो तो हमारा घर का मामला है, वो कुछ होगा नहीं। वो तो और ये तो बहन जी तो है, और भी बहुत सारे लोग लाएंगे हम। गोवर्धन पर अमित शाह ने दाव क्यों खेला, ये हम आपको बताएं, उससे पहले इस दिलचस्प राजनीतिक किरदार को समझ लीजिए। 2002 के गुजरात दंगों के वक्त जड़पिया ही राज्य के गृह मंत्री थे, जिनकी भूमिका पर भी सवाल उठे। गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें गृह मंत्री के पद से हटा दिया था। 2004 में नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया तो जड़पिया ने मंच से शपथ लेने से इनकार कर दिया। कहा गया कि गोवर्धन फिर गृह मंत्री का पद चाहते थे, लेकिन मोदी ने इनकार कर दिया था। गोवर्धन ने 2007 में बीजेपी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बनाई और बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। गोवर्धन प्रवीण तोगड़िया, संजय जोशी और केशुभाई जैसे नेताओं के करीब रहे, जिन्हें मोदी की पसंद नहीं माना जाता। 2012 में संजय जोशी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया तो गोवर्धन ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी के कारण हुआ। उस वक्त ये भी कहा गया कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हार्दिक पटेल के शुरुआती दौर में गोवर्धन उनके राजनीतिक गुरु रहे, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई। सारे दाव आजमाने के बाद गोवर्धन 2014 में बीजेपी में वापस लौट आए और वाराणसी में मोदी के लिए प्रचार भी किया। पार्टी या व्यक्ति से बड़ा देश है, तो हमारे लिए तो पार्टी तो संघ के स्वयंसेवक के नाते तो हमारी माँ है। माँ से रूठे जरूर होंगे, लेकिन माँ का पल्लू फाड़ने का बच्चा कभी नहीं करता। सवाल है कि इतने विवादास्पद करियर के बावजूद मोदी शाह की जोड़ी ने यूपी जैसे 80 सीट वाले राज्य की जिम्मेदारी गोवर्धन को क्यों सौंपी? इसकी कोई तो खास वजह होगी। जानकारों के मुताबिक गोवर्धन जड़पिया संगठन पर अच्छी पकड़ रखते हैं और उनके कौशल का लोहा माना जाता है। गोवर्धन कई सालों से अखिल भारतीय सरदार पटेल महासभा के बैनर तले किसानों के बीच काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पाटीदार समुदाय से होने की वजह से अनुप्रिया पटेल की नाराजगी को वो थाम लेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूपी में सक्रियता से गोवर्धन गुजरात से बाहर रहेंगे, यानी चुनावों के वक्त गुजरात की राजनीति को प्रभावित नहीं करेंगे।
दरअसल 2014 में बीजेपी में वापसी के बाद से गोवर्धन के पास कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी नहीं थी। डर था कि उनका खाली रहना गुजरात में उनकी सक्रियता को बढ़ा सकता है। फिर यूपी लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें अकेले नहीं दी गई, उनके साथ दुष्यंत गौतम और नरोत्तम मिश्रा को भी लगाया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी यूपी में खासे सक्रिय रहेंगे क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। इन सारी बातों के बीच फिलहाल गोवर्धन जड़फिया नई जिम्मेदारी मिलते ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तो घोषणा हुई है, लक्षांक तो हमारा 80 है, चाहे नरेंद्र भाई दे या अमित भाई दे, लक्ष्य तो 80 है, वो तो मैंने मान लिया है। चाणक्य नीति कहती है कि अपने दुश्मन की हर कमजोरी और मजबूती को जाने। चाणक्य कहते हैं कि आप अपने शत्रु को एक तिहाई तभी हरा देते हैं जब आपके पास उसके बारे में हर जानकारी होती है, आप उसे आसानी से पराजित कर लेते हैं। और मोदी और शाह ने ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर उनके खिलाफ अगर ये ताकत इस्तेमाल होती तो उसे चैनलाइज कर दिया है। मास्टर स्ट्रोक यही है कि शक्ति के संतुलन में माहिर है मोदी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।